हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड और सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो आज की वीडियो में मैं ये फेस्टिवल मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, जो दुर्गा पूजा पे भी आप लोग कर सकते हो, दिवाली पर भी कर सकते हो, किसी भी वेडिंग पार्टी में भी आप कर सकते हो इस लुक को, और बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं नीम एंड तुलसी का ग्लो टोनर ले रही हूँ। टोनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे फेस हाइड्रेट हो जाता है फेस, और मेकअप बहुत अच्छे से फ्लॉलेस होता है। तो सबसे पहला स्टेप जरूर करना चाहिए टोनर का। अब मैं बायोटिक का मॉइस्चराइजर ले रही हूँ, तो सबसे पहले मैं हैंड्स पे इस तरीके से एक्टिवेट कर रही हूँ इसको, वार्म अप कर रही हूँ एंड देन अप्लाई कर रही हूँ। एंड फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। मैंने देख सकते हो मैंने ज़्यादा सा मॉइस्चराइजर लिया है। मॉइस्चराइजर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आपकी स्किन ऑयली हो चाहे ड्राई हो, लेकिन लगाना ज़रूरी है। इससे फाउंडेशन बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और अब मैं NYB का प्राइमर ले रही हूँ, और ये प्राइमर काफ़ी अच्छा सिलिकॉन बेस में ये प्राइमर है। और इसी तरह से सबसे पहले मैंने वार्म अप किया है एंड देन डैब डैब करके अपने उस एरिया पे लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। ये पोर्स को मिनिमाइज कर देता है और फाउंडेशन बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है और बहुत अच्छे से फेस पे अप्लाई भी हो जाता है। एंड इसके बाद में मैं इसको एक मिनट के लिए छोड़ दूंगी, सेट होने दूंगी, उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी। कोई भी जो भी स्टेप करें उसके एक मिनट बाद ही कोई भी दूसरा स्टेप करना है। अब इसके बाद में मैं वैसलिन ले रही हूँ ताकि मेरे लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएं, और जो भी मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी इससे मेरे लिप्स ड्राई आउट नहीं होंगे। अब मैं वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रो किट ले रही हूँ। ये दोनों ही कलर मैं मिक्स करूंगी। ये दोनों कलर मिक्स करके जब मैं आईब्रोज करती हूँ तो आईब्रोज का जो कलर एकदम नेचुरल लगता है। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत आराम आराम से। ओके, तो इसके बाद में अब मैं कंसीलर ले रही हूँ। ये कंसीलर स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। इस पर इसको अपनी पूरी आईज पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपनी आईब्रोज के नीचे। इससे क्या होगा, मेरी आईब्रोज थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ हो रखी है मेरी आईब्रो की, तो वो हाइड हो जाएंगे, जो छोटे छोटे से हेयर होते हैं वो हाइड हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आईब्रो बनी नहीं है। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन बहुत सावधानी से करनी, क्योंकि कंसीलर अगर आईब्रो में लग गया तो फिर आपका शेप भी बिगड़ जाएगा आईब्रोज का और अच्छी भी नहीं लगेगी। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर है ये। आप चाहो तो किसी ब्रश की भी हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आईब्रोज के ऊपर भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, और दूसरी आईब्रोज को मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और अब मैं सेट करने के लिए ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है। अब इसके बाद में मैंने स्विस ब्यूटी का ये HD प्रोफेशनल करके पैलेट है, इसमें से ये जो पिंक कलर है, ये रानी पिंक कलर, इसको मैंने अप्लाई किया है और हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ही लेना है, एक साथ ज़्यादा नहीं लेना है। एक साथ ज़्यादा लोगे तो फिर ब्लेंड करने में दिक्कत आ जाएगी अगर आप बिगनर्स हो तो थोड़ा थोड़ा करके लेना है और उसी को बिल्डअप करना है। अब इसके बाद में मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, तो ग्रीन कलर मैं अपने आउटर वी पर लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे से। पहले मैंने प्रोडक्ट को सबसे पहले मैं प्रोडक्ट प्लेस किया है और उसके बाद में मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और आगे की ओर ले जाते हुए मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसके बाद में पिंक कलर मैंने अप्लाई किया है। पिंक कलर को मैं इसी दोनों के इन दोनों कलर के साथ में मिक्स कर दूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक आए, सुंदर सा लगे। अभी इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा आपको, जब ये पूरा लुक हो जाएगा कंप्लीट फिर आप देख सकोगे। तो मैंने रोज़ गोल्ड ये शिमर लिया है और उसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, और उसके ऊपर मैंने हल्का सा लाइट गोल्डन कलर है उसको अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए, क्योंकि वो जो रोज़ गोल्ड कलर था थोड़ा सा डार्क लग रहा था। अब मैंने क्लीन ब्रश लिया है और ब्लेंड कर रही हूँ सारा कुछ मैं। सो देख सकते हो ब्लेंड करने के बाद एक अलग ही पता चल जाता है आई लुक का, काफ़ी सुंदर लगती है आई लुक, क्योंकि मेन ब्लेंडिंग ही है आईब्रोज़ में, आई शेडो में ब्लेंडिंग ही है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपकी आई मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो मेरा लाइनर भी लग चुका है यहाँ पर। अब मैं फिट मी का फाउंडेशन ले रही हूँ, 220 मेरा शेड है। सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ, डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत अच्छे से टाइम देना है ब्लेंड करने के लिए। अब यहाँ देख रहे हो कि मैंने जल्दी जल्दी कर रही हूँ ब्लेंड, बट मैंने बहुत टाइम लिया था ब्लेंड करने के लिए। अब मैं दोबारा से ग्रीन कलर लिया है मैंने, क्योंकि जो ग्रीन कलर था वो एकदम ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था ग्रीन कलर। तो मैं दोबारा से अप्लाई कर लिया है अपने आउटर वी पर ब्लेंड कर लिया। मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाईलाइट पॉइंट्स पर,
अब अपने अब मैं इसके बाद में ब्लेंड कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, अच्छे से ब्लेंड करना है। तो देख सकते हो मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब देख सकते हो आज मैंने मॉइस्चराइजर ज़्यादा लगाया था तो बहुत अच्छा एक फ्लॉलेस बेस मेरा बना था, मुझे सच में बहुत पसंद आ रहा था। और ये आई लुक भी जितना टर्न आउट हुआ था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए अभी थोड़ा सा टाइम दे सकते हो आप मेरे लिए और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, सब्सक्राइब के साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आने वाली वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। अब मैं इसके बाद मैं ब्राउन्ज़र ले रही हूँ, शुगर का पैलेट है, ब्राउन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो ब्राउन्ज़र देख सकते हो कितना अच्छा ब्राउन्ज़र है इसका, बहुत प्यारा ब्राउन्ज़र है, मुझे ये वाला पैलेट ही बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने फोरहेड पर भी कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। आप चाहो तो कंटूर भी कर सकते हो ब्राउन्ज़र को, बट मुझे कंटूर से ज़्यादा ब्राउन्ज़र अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कंटूर से ज़्यादा। मिस रोज़ का मैं ब्लशर पैलेट ले रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैं हमेशा इसकी तारीफ करती हूँ, बहुत अच्छा ये फेस पैलेट है। अगर आप किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिल जाता है। तो देख सकते हो इसी में से शुगर की पैलेट में से ही हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, हाइलाइटर देख सकते हो कितना नेचुरल हाइलाइटर है। अगर आपको कुछ नेचुरल जैसा हाइलाइटर चाहिए आप इस पर जा सकते हो, तीन प्रोडक्ट एक साथ मिल जाते हैं, 799 वैसे तो प्राइस है इसका, बट आप एक चीज़ देखोगे ना कि तीन चीज़ें मिल रही है आपको इतने में, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो नोज़ कंट्रोलिंग भी मैं इसी ब्राउन्ज़र से ही कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया है, फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से ही नोज़ पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मैं अपनी ब्रो बोन पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एक छोटे से फ्लफी ब्रश की। इसके बाद में मैं व्हाइट कलर की पेंसिल लगा रही हूँ, व्हाइट कलर की काजल पेंसिल लगा रही हूँ। ये मुझे आजकल बहुत अच्छा लगने लगा है व्हाइट कलर का काजल, इससे लुक बहुत अच्छा आता है, आईज़ भी बहुत बड़ी बड़ी लगती है। देख सकते हो मैं ग्रीन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ अपनी लोअर वाटर लाइन पर, लोअर वाटर लाइन के नीचे, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। और इसके ऊपर इसके नीचे हल्के से नीचे से ये दोनों स्मज करता हुआ हो लेकिन पिंक कलर अप्लाई कर लिया। अब मैं अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ एंड देन इसके बाद में मैं अपने लैशेस को मस्कारा लगा रही हूँ। अच्छा आप थोड़ी सी मिस्टेक देख सकते हो, मिस्टेक क्या, वो मिस्टेक नहीं थी, मेरा लाइनर लग गया था आई शेडो पर और इसका निशान अभी भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एम्स्टरडैम की ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, काफ़ी प्यारा वाला शेड है, बहुत प्यारा है, मुझे गिफ्ट में मिला था purple.com से, मैंने इसको परचेज़ किया था, तो बाकी के प्रोडक्ट के साथ में ये मुझे फ्री में मिला था। तो यहाँ पे कंसीलर लगा के मैंने इसके शेड को लाइट कर दिया और ये लाइट कलर बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ, मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का है, काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा ये हाईलाइट मेकअप फिक्सर है। छोटी सी बिंदी लगा ली और मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है, कैसा लगा बताना मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि कैसी लगी। सो अब मैं सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।